ओम शांति। भगवान वाच है कि हे मेरे बच्चे, अब इस संसार में लाइट माइट फैलाने के निमित्त बनो। जिस प्रकार बाबा ने तुम्हें अपनी लाइट और माइट दी, तुम्हें योग्य बनाया, राजयोगी बनाया, पवित्र बनाया, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का सुख शांति का वरदान दिया, वैसे ही तुम भी अब इस संसार को बाबा से प्राप्त हुए खजानों को बांटते चलो। अपनी मन बुद्धि से लाइट हाउस माइट हाउस बनकर चारों ओर किरणें फैलाते जाओ। यही अब अंतिम सेवा है, इसी सेवा से सारे विघ्न समाप्त होंगे, सारी समस्याओं से आत्माएं मुक्त होंगी और श्रेष्ठ सुख शांति का, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने लगेंगी। उन्हें लगेगा कि सचमुच में ही हमारे इष्ट हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं और वे स्वतः ही सर्व बातों से, विघ्नों से, समस्याओं से पार होते जाएंगे। इस समय पर हर आत्मा अंदर से दुखी है, चाहे वो बाहर से कितनी भी संपन्न है, धनाढ्य है, लेकिन अंदर में बहुत बड़ी परेशानियों से आत्मा घिर रही है, सुख शांति की प्यासी है। चाहे किसी के पास सब कुछ भी है, लेकिन जब कोई बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, फैमिली में संबंधों में प्रॉब्लम आती है, तो कैसे दुखों में आत्माएं चली जाती हैं। तो इसलिए अब लाइट हाउस बनकर सब तरफ लाइट फैलाओ। ये लाइट सभी आत्माओं को बहुत बड़ा बल देंगी। अभ्यास करो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। डबल लाइट माना मन से भी हल्का, मन से ब्रह्मा बाप समान लाइट हल्का, सब कुछ बाप के आगे समर्पण, हर बात को बाबा को अर्पण किए हुए, ना कोई चिंता, ना कोई भय, ना कोई संकल्प, बस साक्षी होकर ड्रामा को देखना और सब कुछ बाप हवाले कर देना। जो भी बात आई बाबा को सौंप दी और खुद हल्का बनकर उड़ते रहे। तो मन से हल्का, हल्कापन लाने के लिए सदा अपने आप को निमित समझो। बाबा मुझे चला रहा है, मैं तो निमित हूँ, और अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का, और स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देखो कि मेरे अंग अंग से मेरे चारों ओर सर्वश्रेष्ठ परम पवित्रता की रश्मियां किरणें फैल रही हैं, और इन पवित्रता की किरणों में कितना श्रेष्ठ सुखद अनुभव है। फिर अनुभव करो, मुझसे शांति की लाइट फैल रही है, सारी प्रकृति मनुष्य आत्माएं मुझ शांति के फरिश्ते से परम शांति की अनुभूति कर रही हैं, सबके मन को विश्राम मिल रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। फिर सुख का फरिश्ता बन जाओ, मुझसे चारों ओर मेरे मस्तक से अंग अंग से परम सुख की किरणें लाइट चारों ओर फैल रही है। इस प्रकार हर शक्ति को,
हर गुण को, हर गुण की लाइट को फैलाते चलो। इससे हमारा पुरुषार्थ भी बहुत बहुत तीव्र हो जाएगा, हम गुणों और शक्तियों में बहुत बहुत आगे बढ़ जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे और सबको भी संसार में लाइट माइट बाबा के बनाने के, विघ्नों से मुक्त करने के, समस्याओं से पार करने के, शक्तिशाली बनाने के निमित्त बन जाएंगे। ये वरदानी स्वरूप है लाइट माइट हाउस बनकर सेवा करना। ओम शांति।